के जो प्लास्टिक जो है वो अतिशय घातक है, जो मिनरल से पेट्रोलियम में से बनता है, और जब भी हम लोग हमारे घर में भी अगर वो प्लास्टिक को अगर यूज़ करेंगे तो उसमें भी तकलीफें तो खड़ी है। प्लास्टिक का नेचुरल तो कोई चीज़ है नहीं, जो हमारी धरोहर माने जो राष्ट्र की जो धरोहर है, पिछले 5000 सालों के बाद में हम लोग एकत्र आए, तो आज किसान जो है इतना दरिद्री में जी रहा है, जिसकी वजह से आज आपको मिट्टी से जो अनाज मिल रहा है, अनाज से वो पेट भर रहा है, पेट भरने के बाद में पूरी संसार चल रहा है, तो वो आज इतना बदहालत में है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सरकार भी अच्छा काम कर रही है, पर उनको जो है जूनी चली चलती आई है, ऐसी रट के ऊपर चल रही है, अरबों खरबों रुपया खर्चा कर देती है, वो पैसा दे देती है, पर पैसे के बाद में उनका क्या हालत होता है उसको कोई पूछने के लिए आता नहीं है। उनका किसानों का जो माल है वो मंडी रास्ता उनका जो खराब रहता है, उससे उसका माल भी खराब होता है, मंडी तक पहुंचता नहीं है, उनको पैसा मिलता नहीं है। सरकार को जो है वो बहुत रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पूरा किसानों के लिए सिस्टम पूरी रिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, जिससे जो किसान है वो आत्मा है, राष्ट्र का आत्मा है किसान। अगर राष्ट्र का आत्मा अगर नहीं रहेगा और साथ में किसानों के साथ में श्रमिक है, जैसे श्रमिक है तो जो उधर काम करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो बीच में बेचता है, ये लोग भी उसमें श्रमिक है, माने किसान और श्रमिक ये राष्ट्र की धरोहर है। तो ये धरोहर को जो बचाना है तो आपको गांव से माने विलेज से जो है किसानों को सब सुविधाएं देनी पड़ेगी। जब भी सुविधा देंगे, जैसे अमेरिकन में काउंटी में सुविधा मिलती है किसानों को, जो हर एक चीज़ की उनको सुविधा देती है, तो आपको न्यू जनरेशन फार्मिंग करना है या न्यू जनरेशन को आगे, आज 130 करोड़ है, कल आपके पास 150 करोड़ आदमी हो जाएंगे, तो आप उसके लिए क्या सुविधा करेंगे? क्या कल उनको आप प्लास्टिक के राइस खिलाएंगे, या कल उसको प्लास्टिक के अपना क्या बोलते हैं गेहूँ खिलाएंगे, या क्या करेंगे? तो आपको आज ये प्लास्टिक के फूल जो है ये निमित्त है, क्योंकि फूल प्लास्टिक जो फ्लावर है ये निमित्त ये आपको जो है ना, ये आपको पीयूष जी को जाके पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपने हम लोगों ने मिलके उनको चुन के भेजा है। नरेंद्र मोदी जी तो जो है ना अभी आजकल जो है ना वो मद्रास सेपर और बॉम्बे सेपर का काम कर रहे हैं, माने सफाई का काम कर रहे हैं, जो जूना 14 से लेके, पर उनके जो मंत्री है सरकार ने प्लास्टिक जो है बैन कर रखी है, बैन करके रखी। सरकार बैन करने की बातें करती है सर, सरकार बैन करने की बातें करती है, पर उसको रियल में अमल ये कॉमर्स मिनिस्ट्री या कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है या कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो नीति बनाते हैं, अब उनसे जाके ये क्वेश्चन करना चाहिए कि जब इतने तकलीफ में किसाने चल रहे हैं तो आप ये प्लास्टिक के बैन क्यों नहीं करते? आप किसानों को क्या अरेबियन सी में या बंगाल के उपसागर में डालना चाहते हैं, या यहाँ का जो है हम लोग गुलामी में जाना चाहते हैं, या वापस आप जो है वो सिस्टम से जाना चाहते हैं? तो नीति तो ऊपर से अच्छी बनने को जाती है, पर नीति बनाने वाले जो बैठे हैं एयर कंडीशन में, जो आइस बॉक्स में, जो आइस बाबू बैठे हैं, जो बैठे हैं उन लोगों को आपको जाके पूछना है। इस तरफ बढ़ा है, इसका कारण सरकार है, जिन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्रिया लगवाई और चाइना को मंजूरी दी फ्लावर लेकर के, नहीं हर चीज की। आपने देखा हो कभी आने वाले समय में छोटी छोटी चीजें चाइना से आ रही है, फूल नकली आ रहे हैं, इससे सारी किसान भाइयों की आमदन खत्म, और जिसके कारण हमारा व्यापारी भाई भी परेशान है। आज बिरजू भाई की तरफ से किसान और व्यापारी दोनों मिलकर के आज यहाँ जंतर मंतर पे अपनी बात को रखने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, पहली बात आज से एक प्रतिज्ञा लें कि हम प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे और प्लास्टिक का फ्लावर कहीं नहीं लगाएंगे। डेक डॉलर से सबसे मेरी निवेदन है। आपको मैं एक बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट किसानों के नाम पे फ्लावर के नाम पे करोड़ों रुपया सब्सिडी दी जाती है आपको पता हो तो, फ्लावर को लगाने के लिए, और दूसरी तरफ उस फ्लावर की सेल को रोकने के लिए प्लास्टिक के फूल चलाए जाते हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, इस प्लास्टिक के फ्लावर को हम सबको मिलकर के रोकना होगा और किसान की आमदन को बढ़ाना होगा।